टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को सैलानियों के लिए पर्यटन की दृष्टि से खोल दिए गए हैं। टाइगर रिजर्व खुलते ही सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा और लोगों का रुख जंगल की ओर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व के कोर एरिया जो 3 महीने के लिए 30 जून को बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन एक बार फिर 1 अक्टूबर को ओपन हुए हैं सभी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की, जहां आज कुछ सैलानी हैं जो सफारी करके आए। आई हम उनसे ही बात करते हैं कि उन्हें किस प्रकार की सफारी लगी और किस 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 एनिमल की उन्हें दीदार हुई या साइटिंग हुई है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज मिश्रा है और मैं दिल्ली से हूँ। पंकज जी हमें बताइए कैसा लगा आपको पन्ना टाइगर रिजर्व, आज आपने किस कौन कौन सी चीज देखी है? देखिए सबसे अच्छा था कि आज हमने टाइगर की सफारी करी और टाइगर को देखा हमने, और जितना जैसे ही हम एंटर हुए वैसे ही मंचली है शायद वो टाइग्रेस जो हमारी तरफ चलती हुई आई, तो बहुत अच्छी साइट सीइंग हुई हमारी और काफी देर तक हमारे साथ रही, हमारी गाड़ी के साथ साथ निकली है वो। और बाकी तो अभी जंगल काफी घना है अंदर बारिश की वजह से, तो बाकी जानवर की तो साइट सीइंग मैं कहूंगा उस लेवल। जैसा कि पन्ना की नेचर ब्यूटी विश्वविख्यात है, क्या कहेंगे नेचर ब्यूटी भी आपने देखी होगी? इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यू शुड कम एंड विजिट दिस पार्क, इट्स रियली ब्यूटीफुल। जो भी माउंटेन है, जो भी टेरेन है वो ऑसम है, स्पेशली बहुत क्लेंजीनेस है, वेल मेंटेन पार्क है ये। कोरोना संक्रमण के बीच देखा गया था कि सभी अपने घरों में कैद थे, अब ये पहला साल है और 1 अक्टूबर है कि कोरोना संक्रमण के बाद जंगल सफारी चालू हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं कहूंगा कि आइए पार्क को देखिए, टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि काफी महीनों तक हम लोग बंद रहे हैं, तो आप आइए। मेरे ख्याल से पार्क अच्छी तरह मेंटेन्ड है, साफ सफाई अच्छी से है, सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, विच इज रियली गुड। जैसे कि आपने गाइड से समझा होगा, आपने किस प्रकार से गाइड ने आपको बताया कि कौन कौन से एनिमल्स पन्ना टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं या क्या नॉलेजमेंट दी है? देखिए गाइड हमारा काफी नॉलेजेबल था और उसने हमें बताया कि जैसे लेपर्ड है यहाँ, सांबर, चीतल, स्पॉटेड डियर्स ये तो हैं, टाइगर भी है, स्लॉथ बियर हैं, बाकी डिफरेंट रेप्टाइल्स की वैरायटीज हैं, बाकी आपका जो भी बर्ड्स हैं उनके बारे में बताया। एक हमने बहुत ही वल्चर की बहुत ही ऑसम हमें साइट सीइंग हुई थी, तो अपने विंग्स पूरे खोल के धूप में सुखा रहा था, दैट वॉज रियली गुड, बहुत ही अमेजिंग एक तरीके से वो बहुत ही फोटोजेनिक पिक्चर था वो। मतलब आपका पन्ना का पहला सफारी था, आपको पहले ही सफारी में टाइगर देखने को मिला? एग्जैक्टली दो जब भी ये मेरा पन्ना का तो जनरली हम साल में एक बार आते ही हैं, तो लास्ट ईयर एज वेल वी केम टू द प्लेस एंड उस समय भी हमें वो धर्मवीर की स्पॉटिंग हुई थी जो अंदर 2 टाइगर्स हैं, और इस बार भी मंचली की स्पॉटिंग हुई। तो जैसा कि आपने खुद सुना कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो सैलानी सफारी करके आए उन्हें पहले ही सफारी में टाइगर के दीदार की, अगर मैं पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की बात करूं तो पन्ना टाइगर रिजर्व 46 स्पीशीज मैमल्स से भी अधिक पाए जाते हैं और 300 स्पीशीज से भी अधिक बर्ड्स पाई जाती हैं, और करीब 9 स्पीशीज अगर इंडिया में बल्चर्स पाए जाते हैं तो 7 स्पीशीज केवल पन्ना ही इंडिया में ऐसा सिंगल पार्क है जहां 7 स्पीशीज बल्चर पाए जाते हैं। हम यहां के बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर जो वाइल्ड लाइफ करीब फोटोग्राफर्स घुमाते हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आपका आज पहला दिन था कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा हमको, टाइगर की साइटिंग हुई है और बहुत ही ऐसी साइटिंग चलती रहेगी तो टूरिज्म भी बहुत आगे जाके बढ़ेगा। पिछले पहले देखा गया था कि 2012-13-14 तक यहाँ साइटिंग नहीं होती थी, लेकिन पिछले कितने सालों से साइटिंग लगातार बढ़ी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि यहाँ पर साइटिंग भी अच्छी हो रही है और सभी व्यवस्था अच्छी है उनकी।